हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत मज़े में होंगे। मैं भी बहुत मज़े में हूँ। मैं हूँ सदफ और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रोज़ हिप ऑयल की। रोज़ ऑयल जो है वो रोज़ पेटल से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बट रोज़ हिप ऑयल जो है रोज़ की सीड से और रोज़ के प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। आप कोई भी ऑयल की आप बात करें, चाहे वो कोई भी ऑयल हो, एक बेनिफिट तो सारे ऑयल्स देते ही हैं एंड दैट इज़ हाइड्रेशन। तो आप कोई भी ऑयल लगा लें, वो आपको हाइड्रेट ज़रूर करेगा, मॉइस्चराइज ज़रूर करेगा। तो ये ऑयल की एक अपनी प्रॉपर्टी है, चाहे वो कोई भी ऑयल आप अप्लाई करें, चाहे वो ऑलिव ऑयल हो, कोकोनट ऑयल हो, कैस्टर ऑयल हो, आर्गन ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, फेशियल ऑयल हो, या वैसे कोई कैरियर ऑयल हो, मॉइस्चराइजेशन उसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो हर ऑयल जो है आपको देगा ही देगा। मतलब आप उसे एज अ मॉइस्चराइज़र किसी भी ऑयल को अप्लाई कर ही सकते हैं। तो रोज़िप ऑयल में भी ये प्रॉपर्टी है कि आप रोज़िप ऑयल को एज अ मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर सकती हैं। तो एक प्रॉपर्टी तो हो गई इसकी मॉइस्चराइजेशन, दूसरी है हाइड्रेशन। ये रोज़िप ऑयल जो है आपकी स्किन को हाइड्रेट कर देता है बहुत अच्छी तरीके से। रोज़िप ऑयल में बहुत सारे फैटी एसिड होते हैं, एसेंशियल फैटी एसिड्स, और साथ में उसके लिनोलिक एंड लिनोलिक एसिड होता है। वो क्या करता है, आपकी जो स्किन में जो डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो रही है, वो जैसे क्लाइमेट चेंज की वजह से या हम बहुत ज़्यादा पानी नहीं पीते उसकी वजह से जो हमें डिहाइड्रेशन, हमारी स्किन डिहाइड्रेट हो जाती है, उसकी प्रॉब्लम को ये ऑयल बहुत अच्छी तरह से ठीक कर देता है। तो रोज़िप ऑयल जो है आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करता है प्लस हाइड्रेट करता है। अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि ये आपकी स्किन को बहुत अच्छी तरह एक्सफोलिएट कर देता है, स्किन को ब्राइटन कर देता है और रिजुनोवेट कर देता है आपकी स्किन को। इसमें विटामिन ए, सी, रेटिनॉल और बहुत सारे ऐसे एसेंशियल विटामिन्स हैं जो कि हमारे स्किन के सेल्स को रिजुनोवेट कर देते हैं और सेल रिजनरेशन में हेल्प करते हैं, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है बहुत सॉफ्ट सप्पल हो जाती है और हमारी स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करके ये हमारी स्किन को रिजनरेट कर देता है, नए सेल्स बना देता है, जिससे हमारी स्किन में जो भी डेड पार्टिकल्स या डेड सेल्स हैं वो चले जाते हैं और न्यू सेल्स फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से है हमारी स्किन में एक अलग ही ब्राइटनेस, एक अलग ही रेडियंस आ जाता है और हमारी स्किन बहुत हेल्दी एंड ग्लोई लगने लगती है। अब इसका फोर्थ प्रॉपर्टी है, ये हमारी स्किन को क्या करता है, कोलेजन फॉर्मेशन में हेल्प करता है। मतलब आपकी स्किन में इलास्टिसिटी और फर्मनेस जो है वो मेंटेन करता है। जैसे जैसे हम एज करते हैं, हमारी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो कम होती जाती है, जिसकी वजह से हमें रिंकल्स, फाइन लाइंस आ जाते हैं, और कोलेजन जो है वो कम होने की वजह से हमारी स्किन बहुत डल लगने लगती है। तो ये जो क्या करता है, कोलेजन फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखने लगती है, एंटी एजिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, फाइन लाइंस की प्रॉब्लम नहीं होती है, रिंकल्स की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये इस सब में भी हेल्प करता है, रिंकल्स फेड करने में हेल्प करता है, फाइन लाइंस को कम करता है और हमारी स्किन में कोलेजन फॉर्मेशन की वजह से हमारी स्किन बहुत ही हेल्दी और यूथफुल लगने लगती है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर आपको स्किन में कोई भी इन्फेक्शन है, जैसे एक्ने हो गए हैं या कोई स्किन की प्रॉब्लम या कोई स्किन एलर्जी है, जैसे एक्जिमा, सोरियासिस है, तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑयल भी है। आप इसको जहाँ पे भी आपका इन्फ्लेमेशन, एक्ने, रेडनेस, स्वेलिंग कुछ भी ऐसा हो गया है, वहाँ पे आप इस ऑयल को थोड़ा सा लगाइए और ये बिल्कुल ही विद इन 1 to 2 weeks आपके वो इन्फ्लेमेशन, एक्ने, एक्जिमा वाली प्रॉब्लम एकदम अच्छे से परमानेंटली क्योर हो जाएगी। तो ये जो ऑयल है एज अ एंटी इन्फ्लेमेटरी ऑयल भी काम करता है। नेक्स्ट, ये सन डैमेज से हेल्प करता है। जैसे हम कभी भी सन में जाते हैं, हम लोग सनस्क्रीन वगैरह अप्लाई करते हैं अपने फेस पे, लेकिन बहुत सारी सनस्क्रीन में ज़्यादा SPF नहीं होता और हमारी स्किन में बहुत सारी टैनिंग हो जाती है, सनबर्न हो जाता है, तो ये उस सनबर्न और टैनिंग से भी हमें प्रिवेंट करता है, और अगर हमारी सनबर्न या टैनिंग हो गई है तो उसे हील करने में हेल्प करता है। रोज़िप ऑयल में विटामिन ए, सी, ई है, जो क्या करता है, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च में ऐसा पाया गया है कि रोज़िप ऑयल जो है सन डैमेज को बहुत अच्छे से ठीक कर देता है। अब इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जैसे जैसे हम एज करते हैं या फिर मेनोपॉज की वजह से या प्रेगनेंसी की वजह से या बहुत सारी अदर हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है, फेस पे ना पिगमेंटेशन हो जाती है, झाइयाँ आने लगती हैं, ब्लेमिशेस आ जाते हैं, तो इसकी सबसे अच्छी एक ये प्रॉपर्टी है कि ये आप रोज़िप ऑयल आप अपने ब्लेमिशेस में, हाइपर पिगमेंटेशन में, कोई भी आपकी पिगमेंटेशन हो गई है या कोई एरिया है जहाँ पर डार्क हो गया है, वहाँ पर अगर आप इसे अप्लाई करेंगे
तो ये आपके उस एरिया को इवन कर देगा, आपकी स्किन टोन इवन हो जाएगी, वो ब्लेमिशेज और पिगमेंटेशन जो है वो कम कर देगा। रोजी ऑयल जो है हाइपर पिगमेंटेशन के लिए बहुत ही अच्छा है। अब नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है कि जैसे हमें बहुत सी बार स्कार्स होते हैं, जैसे एक्ने मार्क्स हैं, एक्ने स्कार्स हैं, या कोई हमें ट्रॉमा है, चोट लगी है कहीं पे, उसका स्कार है, वो स्कार्स को हेल्प हील करने में हेल्प करता है। ये स्कार्स को बहुत हद तक स्कार्स को कम कर देता है। तो रोज़िप ऑयल सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिशियल है तो हाइपर पिगमेंटेशन, ब्लेमिशेस वगैरह मिटाने में, प्लस स्कार्स के लिए, एक्ने स्कार्स है, कुछ भी है, तो वो आप उसे अप्लाई कर सकती हैं। जैसे कि अब आपने देखा कि रोज़िप ऑयल के इतने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं, तो आप रोज़िप ऑयल को अपने फेस पे बहुत इजीली अप्लाई कर सकती हैं। बट कोई भी ऑयल, ये रोज़िप ऑयल नहीं, कोई भी ऑयल या कोई भी चीज़ आपने, कोई भी चाहे कोई भी प्रोडक्ट आप अगर अपने फेस पे अप्लाई कर रही हैं, तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उसे अप्लाई करने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर करें। तो पैच टेस्ट से ये क्या होता है कि आपको पता चल जाएगा कि वो जो प्रोडक्ट या जो ऑयल या कुछ भी आप अपने फेस पे, स्किन पे अप्लाई करने वाली हैं, वो आपकी स्किन पे रिएक्ट तो नहीं कर रहा, उससे आपको कोई एलर्जी तो नहीं हो रही, कोई ब्रेकआउट तो नहीं हो रहा है। तो इट्स गुड कि अगर आप कोई भी चीज़ अपने फेस पे अप्लाई करने से पहले उसका पैच टेस्ट करें। इस ऑयल के लिए भी यही है कि इस ऑयल को फेस पे अप्लाई करने से पहले एक पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। तो रोज़िप ऑयल जो है बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए। इट्स गुड कि आप अपने फेस पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम है एक्ने की, स्कार्स की, ब्लेमिशेस की, हाइपर पिगमेंटेशन की, या फिर आपकी स्किन में फाइन लाइंस हो गई हैं, रिंकल्स आने लगे हैं, एंटी एजिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप रोज़िप ऑयल ज़रूर अप्लाई करिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।